हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल ठीक, और मैं भी ठीक हूँ। और बस ये सारे काम मेरे कर लिए हैं, मैंने कपड़े वगैरह भी डाल दिए थे, चाय नाश्ता भी हो चुका था, तो बस मैं आ गई थी डोसा बनाने। तो बस डोसा वगैरह बनाकर खाना हमारा हो चुका है, और बस ये मैंने बर्तन वगैरह धोए हैं, और ये मैं धो रही हूँ बकेट, तो पोछे की बकेट मैं साफ़ कर रही थी आज। तो बस ये खाने के बाद हम लोग मूँगफली खा रहे थे, तो ये मैंने सेक कर रखी थी लेकिन इसको खा नहीं पा रही थी, तो आज निकाली ली हमने, और बस यहीं पर बैठ के हम मूँगफली खा रहे थे। तो बस ये मूँगफली खाने के बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर, और शाम में उठी हूँ और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मगरिब की नमाज़ हो चुकी है और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ खड़ी मसूर का पुलाव बनाने की। तो बस ये दाल को पहले मैं बॉइल करूँगी, तो इसमें कुकर में मैंने पानी ऐड कर दिया है, और इसको दाल को भी मैंने भीन कर धो लिया है अच्छे से। तो ये खड़ी मसूर की दाल है, इसी का मैं पुलाव बना रही हूँ। तो बस ये दाल को दो तीन पानी से अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है, और इसको बॉईल कर लूँगी। तो बस एक सीटी लूँगी, क्योंकि ये दाल देर में गलती है तो चावल के साथ गल नहीं पाएगी, तो इसीलिए मैंने इसको पहले अलग से बॉईल कर लिया है, और इसमें डाल दिया है पानी। तो बस इसको एक सीटी लगाऊँगी मैं और बॉईल कर लूँगी, थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं डिल लगा देती हूँ, और इसमें एक सीटी लूँगी बस, और साइड में फिर मैं तैयारी कर लूँगी इसके मसाले की। तो खड़ी मसूर के पुलाव की रेसिपी मैंने डाल रखी है, लेकिन वो हरी मिर्च वाला है, तो आज मैं बना रही हूँ मसाले वाला। तो बस ये मैंने रख दी है भगोनी, तो ये फैली हुई है थोड़ी, तो मैं इसीलिए इसमें बना रही हूँ, और इसका लिड भी अच्छे से आ जाता है इस पर। तो बस मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, और ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं, तो डेढ़ गिलास चावल लिए हैं मैंने, और उनको भी अच्छे से धो लिया है। और बस ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज, हरी मिर्च और तेज़पत्ता और पत्थर फूल और गरम मसाले। इसमें लिए मैंने बड़ी इलायची, काली मिर्च, तेज़पत्ता और पत्थर फूल। तो बस मैं ऐड कर दूँगी इसमें, तो ये ऑयल गर्म हो चुका है। तो बस यहाँ पर मैंने एक मीडियम प्याज ले ली थी, तो वो ऐड कर दूँगी, तेज़पत्ता भी ऐड कर दूँगी और हरी मिर्च भी। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक भून लूँगी। तो बस प्याज हमें जब तक ब्राउन करनी है, लाइट ब्राउन करनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। तो बस इसको चला लेती हूँ, और मिर्ची को भी मैंने एक एक दो दो पीस करे हैं, थोड़ी बड़ी रखी है ताकि तेज़ होकर निकाल सकें। और यहाँ पर दो चम्मच मैंने ले लिया है, दो टी स्पून लिया है लहसुन अदरक का मिक्स पेस्ट, और यहाँ पर एक टमाटर काट लिया है मैंने, तो बस इसमें टमाटर का यूज़ करूँगी। थोड़ी सी दही भी डालूँगी, तीन चार टी स्पून। तो बस इसको लाइट ब्राउन होने देते हैं, तो ये तीन से चार टीस्पून मैंने दही ले ली है, तो ये ताज़ी दही है अभी घर की जमी हुई। और यहाँ पर लहसुन अदरक ले लिया है मैंने, तो लाइट ब्राउन प्याज हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, तो बस इसको भी मैं भून लूँगी अच्छे से। तो बस इसको भी ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है हमें, बस लाइट ब्राउन ही रहने देना। और इसके बाद मैं जो ड्राई मसाले होते हैं वो ऐड कर दूँगी इसमें। तो ड्राई मसालों में मुझे लेना है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी। तो बस ये तीन चार मसाले ही जाएंगे इसमें, आप चाहें तो पहले गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो बस ये लहसुन अदरक भी भुन चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ड्राई मसाले और टमाटर। तो सबसे पहले मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, ये एक टमाटर लिया था मैंने, तो बस इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी साथ में। तो बस इसको चलाते रहेंगे हम, अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, और फिर मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड कर दूंगी। तो ये हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, मैंने इसको काट कर डाला है। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, तो क्वार्टर टी स्पून हल्दी ले ली है मैंने, और धनिया ले लिया है 2 टीस्पून, तो ये पिसा हुआ धनिया, और लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, और लाल मिर्च पाउडर मैं अभी निकालूंगी, इसमें थोड़ी ये कम है तो मैं अभी निकाल कर फिर ऐड करूंगी इसमें। तो बस मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे, तो ये लाल मिर्च पाउडर भी मैंने निकाल लिया है, तो ये भी भून डाल देती हूँ इसमें। तो ये 2 टीस्पून डाली है मैंने, ताकि थोड़ा अच्छा चटपटा बने ये। तो बस इसको मसाले को हम भून लेंगे, और थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी इसमें ताकि मसाले अच्छे से भून जाएँ। तो बस थर्मस में पानी नहीं था, तो ये बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, इसलिए भगोनी में ही रख लिया मैंने। तो बस मसाले को अच्छे से भूनेंगे, तो बस थोड़ा मसाला अच्छे से भून जाएगा, तो फिर मैं इसमें धोकर जो रखे हैं चावल वो ऐड कर दूँगी। तो चावलों को मैंने साफ़ कर लिया था और अच्छे से धो लिया था, तो 1.5 गिलास चावल लिए हैं मैंने, और दाल ली है आधा कप,
तो ये वाला, तो ये ब्लैक कप से मैंने दाल नापी थी और इसी से 2 कप मैंने चावल नापे हैं और इसी से 1/2 कप दाल ली है। तो बस चावल को भी मैंने धोकर रख लिया है और सबसे पहले मैं मसाले में पानी ऐड करूँगी और उसके बाद चावल ऐड कर दूँगी। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड करके पहले चावलों को भून लूँगी इसके साथ। तो ये चावल मैंने धोकर रखे हैं, तो 2-3 पानी से धो लिए हैं। बस मसाले में मैं दही ऐड कर देती हूँ और दही डालने के बाद थोड़ी देर हम मसाले को अच्छे से चलाते रहेंगे, नहीं तो दही फट जाती है मसाले के साथ। तो बस थोड़ी देर मैं इसको चलाती रहूँगी और दही जब अच्छे से भुन जाएगी तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी और चावल। तो बस ये दही अच्छे से भुन चुकी है, उधर दाल भी बॉयल हो चुकी है तो वो भी मैंने निकाल दी है। तो खोल कर रख दी है लिड लगा निकाल कर, और बस ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, दही भी भुन चुकी है, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल। और चावल को मसाले के साथ थोड़ी देर हम भून लेंगे क्योंकि दाल को मैंने अलग से बॉयल किया है, ये वाली दाल चावल के साथ जल्दी नहीं गलती है। तो बस इसलिए मैंने चावल ऐड कर दिए हैं ताकि चावल थोड़ी देर पहले डाल दूँ। तो बस मसाले में चावलों को थोड़ी देर भून लूँगी और उसके बाद फिर मैं दाल ऐड करूँगी। तो मसालों को अच्छी तरह भून लेती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है ये पुलाव। पहले मैंने हरी मिर्च वाला बनाया था जिसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और ये वाला मैंने मसाले वाला पुलाव बनाया है तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये भी। तो बस अब मैं इसमें दही का जो बाउल था उसमें पानी डालकर इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बस ये पानी डाल दिया है मैंने इसमें, और बस 1.5 गिलास हमारे चावल थे और 1/2 गिलास 1/2 कप मेरी दाल थी, तो उसके हिसाब से हम पानी डाल देंगे। तो टोटल 2 गिलास हो गया, तो उसके हिसाब से मैं पानी डबल डाल दूँगी। तो आप चावल अपने हिसाब से देख लें आपके चावल में कितना पानी लगता है, कितने फूलते हैं, उसको मेजर करके आप पानी डाल दें। तो इस गिलास से मैंने चावल नापे थे और इसी गिलास से नाप कर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये पानी बॉयल पानी है, तो बस मैं ऐड कर देती हूँ चावल में। तो ये 2 गिलास पानी ले रही हूँ मैं इसमें, और दाल में भी थोड़ा पानी है तो वो भी इसी में ऐड कर दूँगी। तो बस इससे डबल पानी लेना है हमें, ये चावल अच्छे से फूल जाते हैं। तो आप अपने चावल के हिसाब से पानी ऐड कर दें इसमें। तो बस इसको चला देती हूँ और इसमें फिर मैं दाल भी ऐड कर दूँगी। तो बस इसमें थोड़ा बॉइल आ जाए, मैं दाल भी ऐड कर दूँगी और उसके बाद फिर हम लिड लगा देंगे इसकी पानी आने बॉइल आने पर पानी में। और जो भी मैंने तेज़पत्ता, खड़ी बड़ी इलायची और ये डाली है उसको बाद में आप निकाल सकते हैं क्योंकि सबको पसंद नहीं आता है। तो बस ये बॉइल आ जाए और हमारे चावल पक जाए तो आप इसको निकाल कर रख दें। तो बस ये पानी में बॉइल आ चुका है, मैं दाल ऐड कर देती हूँ। तो बस दाल भी देखिए आप अच्छे से गल चुकी है, मैंने इसमें 1 सीटी ली है बस, ज़्यादा नहीं गलाई है इसको। तो बस ये थोड़ी खड़ी खड़ी दाल है, तो ये देखिए दबा कर दिखा रही हूँ मैं आपको, ये अच्छे से गल चुकी है लेकिन अभी चावल के साथ ही फूल फूक हो जाएगी। तो बस मैं दाल ऐड कर रही हूँ, दाल में भी थोड़ा पानी है तो मैंने यहाँ पर 2 गिलास ऐड किया है और जो दाल का पानी है वो भी इसी में ऐड कर दूँगी, पानी बराबर हो जाएगा। तो बस इसको बॉइल आने देते हैं और फिर मैं लिड लगा के रख दूँगी इसको। और बीच में एक बार फिर हम चेक कर लेंगे, इस टाइम पे आप नमक वगैरह, एक बॉइल आ जाए तो फिर दोबारा जब खोलेंगे तो नमक वगैरह इसमें चेक कर लें, अगर कम लगता है तो आप और भी डाल लें लेकिन एक ही बार में ज़्यादा नमक ना डालें कि पुलाव वगैरह में ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता है टेस्ट में। तो बस इसको एक बार मैं लिड लगा दूंगी और फिर दोबारा चेक कर लूंगी एक बार। तो पानी में बॉइल आ चुका है, मैं इसको ढक के रख दूंगी और बीच बीच में मैं इसको चेक करती रहूंगी, ज़्यादा इसको चलाना नहीं है नहीं तो चावल टूट जाते हैं। तो बस इसको मैं लिड लगा दूंगी अब। तो ये नमक चेक कर रही हूँ मैं, तो बस नमक थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे तो मैं इसमें नमक थोड़ा सा बाद में ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर मैं एंड में गरम मसाला भी ऐड करूँगी इसमें, तो घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, उसमें जायफल वगैरह सभी चीज़ें हैं, काली मिर्च, बड़ी इलायची, जायफल, हरी इलायची सभी मिली हुई है। तो वो घर का पिसा हुआ गरम मसाला है तो वो भी ऐड कर दूँगी इसमें। तो बस ये पानी में बॉइल आ रहा है और मैं इसको ढक दूँगी। तो
बस मैंने गैस को फुल पे कर दिया है ताकि बॉयल अच्छे से आ सके। और बस एक बॉयल आ जाएगा तो फिर हम लिड लगा देंगे। तो पानी में बॉयल आ चुका है और हमने इसमें गर्म पानी का ही यूज़ किया है, गर्म पानी ही ऐड किया है मैंने इसमें। ज़्यादातर मैं सब्ज़ी वगैरह में मसाले में गर्म पानी ही ऐड करती हूँ। तो बस ये लिड लगा दी है मैंने और फिर अपन 5-1 मिनट बाद फिर से मैं एक बार इसको चेक कर लूँगी। आँच को मैंने मीडियम कर दिया है तो बस बीच में एक बार चेक कर लूँगी। तो ये 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से बॉइल आ चुका है चावल में। तो बस हल्के हाथों से मैं इसको एक बार चला दूँगी, ऊपर नीचे कर दूँगी ताकि टमाटर वगैरह अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और बस फिर से लिड लगा दूँगी और बस 10 मिनट के बाद फिर मैं इसको तवे पर शिफ्ट कर दूँगी ताकि ये दम पर हो जाए। अभी 5 मिनट में पहले ऐसे ही लिड लगा दूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो बस ये देखिए अच्छे से पक रहे हैं चावल। तो बस इसको ऐसे फैला देती हूँ मैं, हल्के हाथों से चलाना है, ज़्यादा तेज़ हाथों से नहीं चलाना है। तो बस मैंने लिड लगा दी है, फिर से मैं एक बार चेक कर लूँगी। तो ये गरम मसाला ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। तो इसमें जायफल वगैरह सभी चीज़ें हैं तो बस मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है। वो यहाँ पर रख दिया है मैंने तवा। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए मैं 10-5 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी ताकि ये दम पर अच्छे से हो जाए। तो बस ये पुलाव हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। 5 मिनट बाद मैं इसे खोल के देख लूँगी और आँच को मैंने मीडियम कर दिया है। थोड़ी देर के लिए मैंने तेज़ गैस कर दी थी इसकी, क्योंकि तवा रखा था, बस तवा गर्म हो जाए तो मैं इसको स्लो कर दूँगी। और ये देखिए पुलाव हमारा बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही टेस्टी बना था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खीर। तो बस ये खीर हमारी बन चुकी है। तो बस खीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।